हाय, अदर वेज टू से अग्री, हाँ, राजी, अग्री. फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द होता है एक्सीड. ही एक्सीडेड टू डिमांड्स फॉर हिज रेजिग्नेशन. काइंड ऑफ अग्री हुआ है टू डिमांड्स फॉर हिज रेजिग्नेशन, दैट इज एक्सीड. कंसीड, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कंसीड नहीं कर रहे हैं यूएस इलेक्शंस. ही वॉज फोर्स टू कंसीड. कंसीड मतलब मान लेना कि हाँ, दिस इज द रियलिटी. He was forced to concede, usually defeat, that there might be difficulties. He was forced to concede that there might be difficulties. That there might be difficulties. तो ये उसने concede किया. Donald Trump concede US elections. Assent. The director has given her assent to the proposal. मतलब approval मिल गया है. The director has given her assent to the proposals. अलाउ, अलाउ का मतलब है अगेन परमिशन देना, काइंड ऑफ अग्री होना. हिज पेरेंट्स वोंट अलाउ हिम टू स्टे आउट लेट. एडमिट, एडमिट मतलब मान जाना. इट वॉज अ स्टूपिड थिंग टू डू, आई एडमिट, दैट इज एक्नॉलेज कर रहा है. इट वॉज अ स्टूपिड थिंग टू डू. कंसेंट, कंसेंट, शी फाइनली कंसेंटेड टू आंसर अवर क्वेश्चन. अगेन काइंड ऑफ अग्री. So these are other ways to say this word agree. Now, again some antonyms. Antonyms with this letter F. Antonyms ka matlab opposite, vipreet, vilom. For example, fail or succeed. Fail, succeed. Failure, success. False, true. Far, dur hai, near, pass mein hai. Fast, slow. फैट है, स्लिम है. फियर है, करेज, बी करेजियस. फीमेल, मेल, फ्यू, मैनी. फाइनल, फर्स्ट. फाइंड, लूज. दिस इज लूज, खोना. फाइंड मतलब मिलना. फिनिश, बिगिन. फिनिश मतलब अंत, स्टार्ट मतलब शुरुआत. फर्स्ट, फाइनल, फिक्स करना या फिर उसको ब्रेक करना. फ्लैट है, जैसे ये फ्लैट है. हिली मतलब दिस, पहाड़ है वहां पे. फ्लोर, सीलिंग, दिस इज फ्लोर एंड जो ऊपर होता है दैट इज सीलिंग. फॉलो, लीड. फॉरबिड, फॉरबिड मतलब ये चीज काम नहीं करने दिया जाएगा. फॉरबिड टू डू दिस. अलाउ, अलाउ मतलब अगेन परमिशन है. फॉर का अगेंस्ट होता है. फोरग्राउंड मतलब सामने, बैकग्राउंड मतलब पीछे. फॉरेन का डोमेस्टिक, फॉरेनर है या फिर नेटिव है. फॉरगेट भूल जाना. रिमेंबर मतलब याद रखना. फॉर्म, फॉर्म मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट करना. डिस्ट्रॉय मतलब तोड़ना. फॉर्च्यून, बैड लक. दिस इज गुड लक, दिस इज बैड लक. फॉरवर्ड, आगे. बैकवर्ड, पीछे. फुटबॉल में ऐसी पोजीशंस होती हैं, फुटबॉल खेलते वक्त फॉरवर्ड पोजीशन, बैकवर्ड पोजीशन. फ्री, अरेस्ट, फ्रीज, मेल्ट. फ्रिक्वेंटली है, ओकेजनली है. फ्रेश है, ओल्ड है. स्टेल है, खाना स्टेल हो गया है. फ्रेंड है, एनिमी है. फ्रंट है, रियर है. रियर व्यू मिरर, गाड़ियों में होता है ना, रियर व्यू मिरर. इन फ्रंट ऑफ, बैक. फुल है, एम्प्टी है. फनी है, सीरियस है. ऑफ फ्यूचर मतलब भविष्य. पास्ट मतलब दिस, पास्ट, इतिहास. सो दिस इज फ्यूचर एंड पास्ट. सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारी वोकैबुलरी इन यूज में भी लाना है. दीज आर वेरी सिंपल वर्ड्स. नाउ, हाउ टू विन इन लाइफ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है. इसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता है, बट ये कुछ क्वालिटीज है ना, ये अगर आप में है तो देर इज अ वेरी गुड चांस कि आप लाइफ में जीतेंगे. हाउ टू विन इन लाइफ, सी, वर्क हार्ड. टैलेंट होना अच्छी बात है, बट हार्डवर्क बीट्स टैलेंट. वर्क हार्ड, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है. नो मैटर हु यू आर, नो मैटर वॉट आर यू डूइंग इन योर लाइफ, everything, everywhere, hard work तो करना ही पड़ेगा. So be mentally prepared for this. Complain less. Complain नहीं करना चाहिए. Unnecessary, this attitude is not good. Complain less. Listen more. Silent और listen, ये दोनों words ना same letter से बने. ऐसे words को क्या बोलते हैं आप, जवाब दो उसका. Silent and listen. Listen more. Listen more. Try, learn and grow. Keep trying, keep learning and keep growing. Don't let people tell you it can't be done, because people आपको define नहीं करते हैं, केवल आप अपने आप को define करते हो.
एंड मेक नो एक्सक्यूजेस. विनर्स कभी एक्सक्यूज नहीं देते हैं, दे गेट द जॉब डन. सो दीज आर सम वेज जो हमें हेल्प कर सकते हैं टू विन इन लाइफ. सो दिस इज 19th of November 2020, सेट नंबर 83, 5 मिनट इंग्लिश. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.